काइनेटिक एनर्जी, यू नो फॉर्मूला वॉज हाफ एम वी स्क्वायर. Somebody had messaged me telling that, sir, ये हाफ है, क्या हाफ को लेना पड़ेगा? Whenever you do calculation for dimensional analysis, this is called finding out the dimension. Whenever you try to find out dimensions, we should not consider the constant. I repeat, we should not consider the constant. Okay? Chalo. So, kinetic energy is half mv square. Ye ho gaya. Ab discussion ko hum aage leke jaate hain. Ye homework ke liye tujhe chhoda tha. Naya jo kar raha ho, aaj main ab aage jo hai, power ho gaya, pressure ho gaya, torque. Ye naya hai. Ye torque ka real meaning hum physics mein baad mein dekhenge. Ye aata hai नॉर्मली चैप्टर नंबर 7 में. सो दैट टाइम यू विल सी व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क. अभी सी यही प्रॉब्लम है हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन का. आई रिपीट, यही प्रॉब्लम है यूनिट्स एंड डायमेंशन का कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी आएंगे बट उसका मीनिंग क्या है वो जब वो पर्टिकुलर चैप्टर आएगा तब हम करेंगे. अब उसका मीनिंग नहीं कर सकते बट वी हैव टू नो द डायमेंशन. सो समझ में क्या आया? हमको समझ में ये आया कि पूरे फर्स्ट ईयर का हमको फॉर्मूले बाहर करने पड़ेंगे. उसका रियल मीनिंग हम जब वो पर्टिक्यूलर चैप्टर करेंगे तब हम उसका रियल मीनिंग करेंगे. मतलब इफ somebody will ask me what do you mean by torque, I'll just tell you torque is force multiplied by distance. But what is the real meaning of all this? That all we cannot teach you here. When we will do that chapter, that time we will tell you. अभी नहीं बता सकता. तो हमें क्या लिखना है? फोर्स फॉर्मूला बाय हार्ट करना. टॉर्क का फॉर्मूला है इज फोर्स इंटू डिस्टेंस. रियल मीनिंग हम बाद में बताएंगे. एक्सप्रेस भी कैसे करना हो बाद में बताएंगे. ये सादा फॉर्मूला है, रियल में थोड़ा सा अलग है. इट इज आर क्रॉस एफ, वो हम बाद में करेंगे. फोर्स m1 l1 t -2 कल का फोर्स तुझे पता है. डिस्टेंस l1, सो यू गेट m1 l2 t -2. ये हो गया टॉर्क. नेक्स्ट टॉर्क के बाद आता है स्ट्रेस स्ट्रेन. हो गया, हम लेंगे एंगुलर वेलोसिटी. यस, ये भी तेरे लिए नई दुनिया है. एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी करने के पहले एक काम करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, है ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. एंगुलर वेलोसिटी लेने के पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं. हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, ये इंटरेस्टिंग है. दिस इज इंटरेस्टिंग. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल. बोले तो क्या? आई जस्ट टेल यू. ओके, जस्ट लिसन केयरफुली. आने वाले दिनों में ये बार बार आएगा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसमें कोई बाद में कंफ्यूजन नहीं चाहिए. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. अगर तू ऐसे ट्रैवल कर रहा है, इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देन वी विल टेल सी बच्चा दिस इज डिस्प्लेसमेंट. अगर तू स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है देन दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. बट अगर तू स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रहा है, डॉट डॉट डॉट, तू ऐसे ट्रेवल कर रहा है, गोल, सर्कुलर पाथ. हाँ, तू सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो हम मान लेते हैं तू इतना ट्रेवल किया. तो मैं बोलूंगा ये जो एंगल ट्रेवल किया थीटा, इसको बोला गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बच्चा, हमने ऑलरेडी सेकेंड और थर्ड वीडियो में करा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है. बच्चा बोल, तेरे साइड आ रहा हो एंगुलर. कल हम प्रीवियस क्लासेस में हमने किया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, है ना? हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन है. वेरी गुड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन है. करेक्ट.
ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियंस है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि रेडियन का डायमेंशन क्या है ना, रेडियन मतलब किसका डायमेंशन, अभी तेरे मन में आएगा। सर रेडियन का डायमेंशन क्या लिखेंगे, एक ही मिनट, थोड़ा सा कैमरा का एडजस्टमेंट कर रहा हूं, होल्ड ऑन। हाँ सर, रेडियन का डायमेंशन क्या आएगा, एम एल टी, कुछ नहीं, मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, इसीलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेम अ क्वांटिटी विच इज डायमेंशन लेस, नेम अ क्वांटिटी विच इज डायमेंशन लेस। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस इंग्लिश आना चाहिए। मैं मत पूछना सर डायमेंशन लेस मतलब क्या, यू हैव टू नो इंग्लिश फॉर दैट। ओके सर कैन नॉट टेल यू द मीनिंग ऑफ डायमेंशन लेस, डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस 0 0 0। सो एग्जाम में वन मार्क के लिए पूछेंगे, गिव एनी क्वांटिटी विच इज डायमेंशन लेस, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस। ओके नेक्स्ट वन, ये थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा। ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ओके ये नया है, एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखेंगे ओमेगा। कैसे पढ़ेंगे, एक ही बार बोलूंगा, फाइनल बार बोलूंगा बच्चा, एंड दैट इज ओमेगा। लिखना है डब्ल्यू की जैसे, बट बोलना है ओमेगा। सी वेरी सिंपल, कुछ भी लॉजिक ज्यादा अप्लाई नहीं करने का, कॉमन सेंस अप्लाई करने का। मैं एक्सप्लेन करता हूं, तुझे अप्लाई करना है कॉमन सेंस। देख हमको पता है, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है वेलोसिटी इनटू टाइम। ये बचपन का 8th 9th स्टैंडर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्या हम बचपन में लिखे थे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस यही है। इधर कौन सा डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर। बच्चा यू आर डूइंग थिंग्स 8th स्टैंडर्ड, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियर मतलब वन डायमेंशन, वन डायमेंशन यानी या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस या तो जेड एक्सिस, ये तू सब कुछ करता है बचपन के दिनों में 9th में। ओके तो वेलोसिटी इज गिवन बाय लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट के बदले इधर मैं लिखूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्यों, एंगल का वेलोसिटी ले रहे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट। कुछ नहीं, बस इधर मतलब क्या, समझ में क्या आया, इधर वेलोसिटी है, इधर ओमेगा है, इधर वेलोसिटी है, इधर ओमेगा है, यही फर्क है। ओके नाउ वी विल रब द बोर्ड। हाँ तो फॉर्मूला तो आ गया सर, बट हमको डायमेंशन चाहिए, है ना सर। अभी तो जस्ट बोला फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इज गिवन बाय थीटा बाय टी, अनंत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी, ये हाईएस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑसिलेशंस, वेव्स, एसी, ईएमआई, तुम चैप्टर का नाम बोल, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ये इसका कोई एंड ही नहीं है, इसके यूज का ये बहुत बार आएगा लाइफ में, पूरे 11th 12th में ये अनंत बार आएगा, अनंत बार, इसको भूल नहीं सकता है तू। ओके ये वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में, एग्जाम के लिए नहीं, बेसिक नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए नहीं। ओके एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय थीटा बाय टी। ओके मतलब क्या सर, बहुत सिंपल, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा रेडियन अपॉन सेकेंड, है ना, सेक लिख रहा हूं, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए सर, ये सब ठीक है, हमको क्या चाहिए, व्हाट डू वी वांट, वी वांट डायमेंशन, हमें डायमेंशन चाहिए बच्चा। तो डायमेंशन के लिए क्या आएगा, रेडियंस, रेडियंस का तो डायमेंशन ही नहीं है, जस्ट नाउ वी सॉ रेडियन को कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो डायमेंशन इसका लिखूंगा ही नहीं, इसको ब्लैंक छोड़ूंगा, सेकेंड को टी वन लिखूंगा। ओके इसको मैं ब्लैंक छोड़ू, ऐसे लिखू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, और ये सेकेंड नीचे है, सिंपल है रे, कुछ नहीं। वेलोसिटी को तो कैसे लिखा था, वेलोसिटी को लिखा था मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं, तो ये एंगुलर वेलोसिटी है, वेलोसिटी के बदले हियर इट इज एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल। एंगुलर वेलोसिटी विल बी रेडियन पर सेकेंड,
मीटर लीनियर है, सिंपल है. मीटर मतलब स्ट्रेट लाइन, एंगुलर डिस्प्लेस मतलब एंगल. एंगल आया बोले तो रेडियन आया, क्योंकि सारे मेजरमेंट ऑफ एंगल रेडियन में ही करते हैं. सो दिस इज रेडियन अपॉन सेकेंड. एंड रेडियन का कोई यूनिट है ही नहीं, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, क्योंकि वो डायमेंशनलेस है. रेडियन डायमेंशनलेस है, तो सेकेंड बचा, तो इसको ऊपर लेके जा, तो क्या मिला, एम जीरो, एल जीरो, टी माइनस वन. करेक्ट है, कॉपी किया, कर, एक मिनट देता हूं, कॉपी कर. बोल, कॉन्सेप्ट सबको गया क्या बच्चा, है ना? लॉजिकली सब कुछ दिमाग में डलवा रहा है, बाय हार्ट कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, बाय हार्ट कुछ भी नहीं करना है. एवरीथिंग शुड गो अकॉर्डिंग टू लॉजिक. तो एम जीरो, एल जीरो, सो कब जब भी सर्कुलर मोशन होगा ना बच्चा, वेन एवर वी विल हैव सर्क्यूलर मोशन ना, तब तब एंगल आएगा. अगर लीनियर मोशन है तो स्ट्रेट लाइन आएगा. स्ट्रेट लाइन यानी मीटर. मतलब कभी भी एंगुलर मोशन आएगा ना, कभी भी एंगुलर मोशन आएगा तो रेडियन का जन्म होगा. एंगुलर मोशन मतलब सर्क्यूलर मोशन. ठीक है बच्चा, तो ये थे 16. ओके, शुड द सप्लीमेंट्री, एक ले बच्चे का आ रहा है, शुड द सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बी इंक्लूडेड एज डायमेंशनलेस? यस स्वराज, वेरी करेक्ट. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, क्योंकि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का यूनिट था रेडियन. और रेडियन का करेक्ट ना, हमने दो किया था, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. एंड प्लेन एंगल डायमेंशनलेस है, प्लेन एंगल रेडियन है. वेरी गुड स्वराज, करेक्ट बोला. एक एक बच्चा बहुत कुछ मैसेज कर रहा है, बोल रहा है करके, सर बहुत सारे क्वांटिटी के सेम डायमेंशन आते हैं. बिल्कुल आएंगे, जैसे कि टॉर्क और वर्क डन, दोनों का डायमेंशन सेम है, बिल्कुल सेम है, बट दोनों का मीनिंग अलग है. डायमेंशन सेम है बट मीनिंग अलग है. जब जब हम टॉर्क पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, अब हम टॉर्क नहीं पढ़ रहे अभी के लिए. फर्स्ट ईयर में जितने भी फॉर्मूलेज है वो सारे फॉर्मूलेज करने पड़ेंगे. सर क्यों, बिना फॉर्मूले के तुझे डायमेंशन नहीं निकाल सकता. विदाउट फॉर्मूला यू कैन नॉट फाइंड आउट द डायमेंशन. सो डायमेंशन पढ़ने के लिए, पढ़ने मतलब निकालने के लिए, टू फाइंड आउट डायमेंशन यू शुड नो फॉर्मूला. बिना फॉर्मूला डायमेंशन नहीं आएगा. ओके, फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा. हाँ, मेरे पास एक बुक है, मैं फर्स्ट ईयर का एक बुक छाप रहा हूं, लास्ट ईयर भी छापा था, ये साल भी मैं प्रिंट कर रहा हूं. अराउंड 50 पेजेस तो सिर्फ फॉर्मूला ही है. मतलब दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड लाइक 1000 to 2000 फॉर्मूलाज. यू हैव टू बाय हार्ट ऑल दोस फॉर्मूलाज दैट आई टोल्ड यू फ्रॉम डे वन. सो मेनी फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेम्बर इंस्टेंटली. सो आई विल बी मेकिंग अ बुक. उस बुक में क्या है मैं बता देता हूँ. वेरी सून मैं बुक छापने वाला हूँ. वेरी सून मतलब जैसे ही हम नॉर्मल मोड पे मिलेंगे तब तक तेरे हाथ में बुक रेडी करके दे दूंगा. ओके, बुक में हम क्या करने वाले हैं, बुक में हम फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक 2013 से लेके क्या क्या क्वेश्चन आए वो सारा हम लेंगे चैप्टर वाइज. जैसा मैंने तुझे यूनिट्स एंड डायमेंशन का एक सैंपल भेजा था. And then we will be taking formula book. One book I made for seniors. Your seniors might be knowing all that. Anyways, चलो. So ये है 16th वाला हुआ ना. कौन सा number हुआ हमारा last? Last number कौन सा हुआ? 16th वाला हुआ. अभी 17th वाला है क्या? अभी 17th वाला है. इसीलिए मैं तो ये suggest करता हूँ कि जो तुम 10th स्टैंडर्ड वाले हैं वो उसको तो कंपलसरी ये सारे क्लासेस बैठ के, क्योंकि वास्टनेस इतना है कि बाद में 11th में मैनेज नहीं होता है. सो 10th स्टैंडर्ड में ही ये सारी चीजें करनी है. जल्दी ही आने वाले दिनों में हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं. वेरी सून वी विल स्टार्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन. चलो, नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Nobody will ask the meaning of all this. I am very clear. That is why मैं starting में बोला ये सारी चीजों का meaning जब हम chapter पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे. Somebody will ask, sir, torque क्या है, moment of inertia क्या है. It is not possible to tell now because we have not taught the chapter. You need to be patient.
एज ऑफ नाउ फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर व्हाट इज योर जॉब, योर जॉब इज जस्ट टू रिमेंबर द फॉर्मूला. जैसे जैसे चैप्टर जाएगा एक एक का मीनिंग क्लियर होता जाएगा. तो एज ऑफ नाउ जॉब इज टू रिमेंबर द फॉर्मूला. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय एम आर स्क्वायर. एम बोले तो मास, मास के बदले रेडियस को कंफ्यूज करो, आर रेडियस है ना, एंड आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बोल देते हैं. ओके तो मास है बोले तो एम जीरो है, मास यानी एम जीरो, डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी एल स्क्वायर मीटर ना, डिस्टेंस बोले तो मीटर का स्क्वायर. टाइम नहीं है, टाइम नहीं है करके टी जीरो डाल दे, टाइम नहीं है करके टी जीरो डाल दे. क्वेश्चन नंबर 18 मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो है रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है वो कोई मतलब का नहीं है, रेडियस ऑफ गायरेशन हम ले लेते हैं. रेडियस ऑफ गायरेशन, वी कैनॉट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन नाउ, जस्ट रिमेंबर रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब रेडियस, सिंबॉल के है, यू हैव टू बाय हार्ट द सिंबॉल ऑल्सो, यू हैव टू बाय हार्ट द सिंबॉल ऑल्सो. जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एमओ आई बोला है, नहीं तो आई बोलेंगे, सिंपली आई बोलेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपली आई बुला सकते हैं, ये तेरे को अल्फाबेट बाय हार्ट करने पड़ेंगे. रेडियस ऑफ गायरेशन की डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी मीटर, मीटर यानी एम जीरो एल वन टी जीरो. मास नहीं है, टाइम नहीं है, मास नहीं है, टाइम नहीं है, डिस्टेंस यानी लेंथ. 19th एंगुलर मोमेंटम, 19th एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम किया एंगुलर मोमेंटम. ओके इसका रियल मीनिंग हम बाद में पढ़ेंगे. एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है एल. एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसको हम ऊपर देते हैं. अब तेरे मन में आएगा वेक्टर क्वांटिटी क्या, 9th स्टैंडर्ड को याद करने का. हाँ हमने पढ़ाया था 9th में, जो जो पढ़े हैं हमारे साथ, वेक्टर क्वांटिटी इज अ वन विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो वेक्टर का सिंबल ऐसा डालते हैं. ठीक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एल. फॉर्मूला है, फॉर्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पहले मैं इंग्लिश लिखता हूं. मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम. ओके ये जस्ट डेफिनेशन है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. दिमाग में फिक्स कर दे, सारा कुछ नोटबुक में डालना पड़ेगा. एक बात मैं क्लियर कर देता हूं आज, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं आज, फिजिक्स के अल्फाबेट्स और फिजिक्स के सिंबल्स मतलब फिजिक्स का लैंग्वेज, मतलब फिजिक्स का लैंग्वेज, फिजिक्स का लैंग्वेज समझने के लिए ही तुझे अराउंड 2 महीना जाएगा. ओके 2 मंथ्स तो स्टार्टिंग के 2 से 1.5 मंथ तो टाइम इसी में जाएगा कि अरे इसको ऐसा बोलते हैं पता ही नहीं था. मतलब फिजिक्स के बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है. एग्जाम्पल मोमेंट. अब फिजिक्स में मोमेंट यानी क्या, फिजिक्स में मोमेंट यानी डिस्टेंस. ओके आधा जिंदगी तेरा स्टार्टिंग का फर्स्ट 1 मंथ ऑफ लाइफ ऑफ दिस पीरियड ऑफ योर लाइफ विल गो इन अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स के टर्म ओनली. बिकॉज इसीलिए बोलते हैं ना फिजिक्स इतना टफ क्यों है ना, फिजिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है. तो वो सब्जेक्ट को लेके रियलिटी में रिलेट करवाता है और उसको कनेक्शन बनाने के लिए इंस्टेंट नहीं होता है, इट टेक्स टाइम. एनीवेज आई होप तू बाय हार्ट किया होगा अब तक. आगे से जिंदगी में फिजिक्स पढ़ते टाइम मोमेंट आया, मूव मूव नहीं है, वी नहीं आने का, मोमेंट है. ओके डिस्टेंस है. ओके तो एंगुलर मोमेंटम एल इज गिवन बाय, हाँ इसीलिए सारा फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला देंगे. फॉर्मूला तेरे को बाय हार्ट करना है, आगे जैसे जैसे जाएगा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. एंगुलर मोमेंटम बोले तो क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन बोले तो क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले तो क्या, एंड सो ऑन. मोमेंट, मोमेंट बोलते डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैं बोलूंगा आर. डिस्टेंस के मोमेंट यानी डिस्टेंस, ऑफ मोमेंटम, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन, मोमेंटम, मोमेंटम इज पी, मोमेंटम इज पी. सो आर मोमेंटम इज एम वी. ओके आर यानी L1 डिस्टेंस है ना, मोमेंट यानी डिस्टेंस. मोमेंटम कल हमने पढ़ा था, मोमेंटम इज या 9th में भी पढ़ा है, मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी. मोमेंटम का फॉर्मूला इज मास इंटू वेलोसिटी. सो ये M1 वेलोसिटी, वेलोसिटी इज L1T-1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. सो वॉट यू गेट हियर, M1 L1 L2 T-1 ये आ गया एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन. बोल बच्चा है ना, बहुत सारी नई चीजों को एक्सपोज हो रहा है बच्चा,
कॉपी कर, एक मिनट रुका हूं मैं। बहुत सारी नई चीजों को एक्सपोज हो रहा है बच्चा, करेक्ट है? रिलेटिव डेंसिटी इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इज एम वन। ओके, मैंने देखा नहीं, मेरी गलती हो गई, थैंक यू सो मच, मेरा ध्यान ही नहीं गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास को जीरो लिखा, बाय मिस्टेक, एल एम वन। थैंक यू भूमि फॉर नोटिफाइंग मी एंड आस्क फॉर इट। ओके, थैंक यू सो मच, मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैं अभी चैट बॉक्स में देख के पता लगा, मैंने एम को जीरो लिखा बाय मिस्टेक, थैंक यू। हाँ, बाकी सब करेक्ट है बच्चा। क्या हम बोर्ड लिख सकते, बोर्ड रब कर सकते? रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिस्टेंस। चलो, 19th हो गया, हम 20th में जाएंगे। यू हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम, मैं बता रहा हूं, मैं रिपीटेड में, मैं हर दिन ये बताते रहूंगा। क्या? मैं हर दिन यही बताते रहूंगा करके बच्चा हमको ये याद रखना है। 11th 12th इज नॉट टफ, 11th 12th इज वास्ट, 11th 12th इज नॉट टफ, 11th 12th इज वास्ट। वास्ट बिकॉज सो वास्ट क्यों है? इतना सारा पढ़ने के लिए सिलेबस में, हाँ, हम सिर्फ थ्योरी नहीं करना है ना, हमको कॉम्पिटिटिव भी करना है। सो इतना कुछ पढ़ने के लिए, इतना कुछ पढ़ने के लिए, और उसको इंस्टेंट क्वेश्चन पढ़ने से मैं ये स्ट्रेस करूंगा बोलने के लिए। क्या स्ट्रेस करूंगा बोलने के लिए? मैं ये स्ट्रेस करूंगा बोलने के लिए बच्चा कि इनिशियल डेज तो तुझे टफ लगेगा, तुझे ये लगेगा कि साला ये कहा साइंस लेके गलती तो नहीं किया, ऐसा फीलिंग भी आएगा। ओके, बट मैं बोल रहा हूं, यू हैव टू ट्रस्ट अस। हर साल हर बच्चों को पहला दो महीना फिजिक्स रुलाता है, पहला दो महीना तू पार पड़ा, हाँ फिजिक्स पार पड़ा। आज मेरे 10th बच्चों को हम ये सब करा रहे हैं, आने वाले दिनों में पहला दो महीना उसको 11th में तकलीफ होगी नहीं। मैंने बोला हूं, मेरा एक बैच है जो अभी 12th में पढ़ रहा है, अभी 12th जाएगा, अभी 11th का सिलेबस खत्म भी नहीं हुआ है। आई रिपीट, अभी उनका 11th का सिलेबस खत्म भी नहीं हुआ है, बट उनका 11th बस खत्म हो चुका है। मतलब अभी तक उन्होंने 11th का एग्जाम लिखना है, गवर्नमेंट का ही एग्जाम नहीं हुआ है, बट मैंने 10th और 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड में उनको 11th और 12th की पढ़ाई करा दी, पूरी कॉम्पिटिटिव भी करा दिया। अभी मैंने बोला पूरा साल केमिस्ट्री बायो कर और मैथ्स कर, फिजिक्स में तेरा हेडेक मत पाल। और उनका वो लेवल ग्रिप बैठ चुका है उनका, मतलब जब टेस्ट लेते तो उनका ही नाम आता है टॉपर्स में। अब बहुत मतलब क्लासेस में बहुत सारे लेट 11th हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, 12th करते हैं, बट बहुत सारे बच्चे मेरे साथ 10th और 11th, 10th की छुट्टियों में और 11th की छुट्टियों में एसोसिएटेड रहते, उनको हम पहले से ही सब करा के देते, बाद में उनका इतना स्ट्रांग होता है कि टॉप में वही आते हैं, है ना? तो हमको भी यही करना है, ठीक है, उन तुम्हारे सीनियर्स के जैसे, है ना? तो अब हम डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव टेरिटरी में जाना मत। जैसे जैसे सिलेबस आगे जाएगा, सिलेबस बहुत वास्ट है, तो याद करना एंड रिकॉल करना, याद इंपॉर्टेंट नहीं बॉस, रिकॉल करना, क्योंकि जब तुझे एक एक चैप्टर में इतना है, तुझे 30 चैप्टर पढ़ने, फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 30, मैथ्स में 30, मोटा मोटी 90 चैप्टर को तेरे को क्वेश्चन पढ़ने पर, जेई 3 घंटे का पेपर, 90 क्वेश्चन, अभी तो 25 का पैटर्न हुआ है, 75 क्वेश्चन, नीट लिया तो 180 क्वेश्चन 180 मिनट, एंड जैसा ही तू क्वेश्चन पढ़ा, तो इमेजिन कर क्या लेवल पे तू मुझे पहुंचना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई आई टेल इट इज नॉट अबाउट यू अटेंडिंग क्लास विद अस एंड देन द कॉलेज एंड डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। दैट इज वाई You should spend time with yourself. बहुत सारा टाइम तू तुम्हारे साथ स्पेंड करो, तभी कुछ प्रोग्रेस होगा। 90% हर साल उड़ जाते हैं, मीन फेल नहीं, उनका कोई रिजल्ट काम का नहीं होगा। वो 10 बच्चे ही टिकते हैं जिसके पास पेशेंस रहता है, जिसके पास परसिवरेंस रहता है, जो बच्चा हर दिन कंसिस्टेंटली काम करेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन क्या हो गया, वो खेल होने वाला ही नहीं है। तो भूल जा, मैं डे वन से ही ये बातें क्लियर करते रह रहा हूं, तो भूल जा, वो होगा क्लियर करके तो आराम से पढ़ेगा। एकदम एक दिन पहले लेना भी मत साइंस, चुपचाप अभी भी डिसीजन नहीं, कुछ गलत नहीं, लेना भी मत साइंस, होने वाला नहीं है बच्चा। इनफ सेड एंड डन, वी विल गो विद द क्वेश्चन नंबर 20। क्योंकि आ रहा है तू तेरी इच्छा से, तो करना तुझे है, अगर तो आ ही मत,
अगर तू तेरी इच्छा से इधर नहीं आ रहा है तो तू आ ही मत, फिर डिसीजन तू लेता है और उस डिसीजन के ऊपर तेरे को फर्मली नहीं रहना है, तो ये तो गलत है ना। मतलब तू खुद को ही चीट करता है, किसको धोखा देता है, सबसे पहले खुद को ही धोखा दे रहा है तू। ओके चलो, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। बहुत सिंपल है, टाइम पीरियड तो सबको पता है, टाइम पीरियड इज टी। अब इसका डायमेंशन क्या आएगा? सर एम जीरो एल जीरो टी वन, नेक्स्ट 21 फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी है एफ, एफ का फॉर्मूला है 1/T। तुझे पता है फ्रीक्वेंसी को न्यू भी लिखते हैं, न्यू एनयू, ये नाइन्थ पे पढ़ा है तूने, साउंड वेव्स, नाइन्थ स्टैंड में साउंड साउंड में पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू, FT। ओके सो एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, ये था फ्रीक्वेंसी के ऊपर। 22 सी, तुझे डरा नहीं रहा हूं ये सब बातें करके, तुझे एहसास दिला रहा हूं कि हमको रहना है डिसिप्लिन, ये बात का एहसास दिलाता हूं तुझे। डरना तो ही नहीं, मैं तो मैं ही बोल रहा हूं डैन इजी है ही नहीं डरने के लिए कुछ भी। रिलेटिव डेंसिटी, ये भी तूने पढ़ा है नाइन्थ में, रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी, नाइन्थ के टेक्स्ट बुक में है ये सब। रिलेटिव डेंसिटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर्मूला तुझे याद रखना पड़ेगा। ओके ये डायमेंशन लेस है, रिलेटिव डेंसिटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, इट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ये फॉर्मूला है, ओके डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वॉटर। समबडी विल आस्क मी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वॉटर, समबडी विल आस्क मी सर ये डायमेंशनलेस क्यों है, व्हाई इट इज डायमेंशनलेस, बिकॉज वर्ती डेंसिटी है खालती डेंसिटी, ऊपर ऊपर नीचे डेंसिटी कट होगा, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। मत पूछना डायमेंशनलेस क्यों है, अभी मैंने बोला डेंसिटी डेंसिटी कट हो जाएगा, नहीं आता स्पेसिफिक ग्रेविटी का रियल मीनिंग क्या है, रिलेटिव डेंसिटी का रियल मीनिंग क्या है, तुझे नाइन्थ स्टैंडर्ड की बुक्स खोलने पड़ेंगे। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट आ रहा है हीट में जा रहे हैं। एक और पॉइंट याद करते इधर, हमको क्या याद रखना है, हीट, हीट यानी एनर्जी है वर्क डन, क्योंकि सबका यूनिट जूल है यानी एनर्जी हुआ। मैंने बोला था एनर्जी तो बाय हार्ट करना पड़ेगा, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो मैं मुद्दा में रॉन्ग लिखू या करेक्ट लिखू तू बताना, मैं रॉन्ग लिख रहा हूं या करेक्ट लिखा रहा हूं, मैंने तो बाय हार्ट करने बोला था, अब तू बोल सही चल रहा है गलत चल रहा है बॉस, बाय हार्ट करना पड़ेगा वर्क डन एनर्जी, तेरे को बाय हार्ट करना पड़ेगा, करेक्ट है रॉन्ग है, वेरी गुड, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, यस ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। पावर का टी रेस टू माइनस थ्री आता है, पावर का टी रेस टू माइनस थ्री आता है, हाँ टाइम का नहीं आता, एनर्जी का नहीं आता, खुशी रॉन्ग बोल रही हो। ओके 23 हो गया, 24 25 करते हैं, ठीक है इधर तक क्लियर है सबको, वी कंटिन्यू नेक्स्ट डिस्कशन नाउ। ओके टाइम इज ओवर, विल गो इन द नेक्स्ट सेशन नाउ।